अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। और ये लुधियाना स्टेट से मैं अभी एंटर हुआ हूँ मिसिसिपी में। ये मिसिसिपी का एक खूबसूरत सा रेस्ट एरिया है। मैंने शायद ये पहले एक वीडियो में दिखाया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत सा रेस्ट एरिया, बहुत अच्छे इंतज़ाम है। यहाँ पे पुलिस ऑल द टाइम जो है वो यहाँ पे वॉच करती है, सिक्योरिटी होती है यहाँ पे 24 आवर। और ये हाईवे पे जैसे मैं जा रहा था, अभी रूट 59 है और नॉर्थ साइड में जा रहा हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ थी पहले, और ये चीज़ है कि आगे खूबसूरत सा मंज़र है और बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन ख़त्म हो गई है बारिश। थोड़ा पीछे जो है वो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं यही बात कर रहा था कि ये अल्लाह ताला के काम है और यही कुदरत होती है, नेचर ही इसी को कहते हैं। कहीं पे बारिश हो रही है और थोड़ा आगे जाएं तो बारिश नहीं हो रही, फिर आगे जाएं बारिश हो रही है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आगे बिल्कुल जो है वो बारिश का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। और आगे जाऊँगा तो ये एग्ज़िट 4 हम लेते हैं। यहाँ पे एक एंटीक मॉल है और कोशिश करते हैं कि एंटीक मॉल जाएं और वहाँ पे देखें अमेरिका का जो ये स्टेट है मिसिसिपी, यहाँ पे एंटीक मॉल्स जो है वो कैसे होते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और मैं अभी एग्ज़िट लिया है तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि वहाँ रास्ता मिले। और कमर्शियल रास्ता जो है नेविगेशन वो डिफरेंट होता है, जो गाड़ियाँ जो मौसम यहाँ पे बहुत प्यारा है, हाईवे पे। और ये हमने एग्जिट ले लिया हुआ है और इंशाल्लाह देखते हैं एक मॉल जाने की कोशिश करेंगे वहाँ तक। अब हमें एक्सेस मिली कमर्शियल तो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा ज़रूर एंटीक मॉल जो भी वहाँ पे एंटीक चीज़ें यहाँ की होंगी अमेरिका की। तो ये वॉलमार्ट है स्टोर, सामने होम डिपो है, ये भी यहाँ के बहुत फेमस और बड़ी चेन्स हैं, बहुत अच्छी हैं ये भी मॉल्स। हर ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से भी बाई आसानी मिलती हैं। इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में बात करता हूँ और आपको दिखाऊंगा यूनिक स्टोर जो है यहाँ पे यूनिक चीज़ों का। सब अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में बात करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी मौजूद हूँ एक एंटीक मॉल है यहाँ पे, अमेरिका की स्टेट है मिसिसिपी। और ये हाईवे 59 एग्जिट 4 है और हाईवे के बिल्कुल साथ ही है ये एंटीक मॉल है। तो मैं आज आपको ये दिखाता हूँ एंटीक मॉल में कितनी कितनी पुरानी चीज़ें और